हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाइस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप तक कंप्यूटर शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई सूचनाएं लेकर के आते हैं। आज हम लेकर के आए हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2023 में जिन छात्र छात्राओं के अंक कम आए हैं या परीक्षा में फेल हो गए हैं, उनके लिए यूपी बोर्ड ने एक मौका दिया है कि वो अपना स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। विद्यार्थी 19 मई तक स्क्रूटनी फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा के अपने परिणाम से असंतुष्ट छात्र छात्राएं स्क्रूटनी के लिए 19 मई तक आवेदन कर सकते हैं। सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि लिखित एवं प्रयोगात्मक खंड के लिए ₹500 प्रति प्रश्न पत्र की दर से निर्धारित किया गया है। आपको एक प्रश्न पत्र के लिए ₹500 का चालान फीस जमा करना होगा। स्क्रूटनी से संबंधित आपके जो भी ऑनलाइन है वो upmsp.edu.in आप देख पा रहे हैं, वेबसाइट हमने खोल के रखी है, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। और जो आपका चालान फीस होगा वो राजकीय कोषागार में जमा होंगे। आपको उसके बाद जमा करने के बाद फॉर्म को ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने के बाद डाक द्वारा आपको कार्यालय को भेजना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि किस प्रकार से हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है जिनके अंक कम आए हैं, अपने वो परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट हैं, तो वो ऑनलाइन अप्लीकेशन करके और दोबारा अपनी परीक्षा दे के रीचेक कॉपी करवा के अपने परिणाम को दोबारा ठीक करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसकी जो वेबसाइट है upmsp.edu.in आपको खोलना है। ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे नीचे यहाँ आना है। यहाँ पे लिखा हुआ है हाई स्कूल इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की संरीक्षा स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन परीक्षा 2023। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इंटरफेस इस तरीके से खुलकर आएगा। यहाँ पे दिखा रहा है कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की संरीक्षा स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन परीक्षा 2023। यहाँ पर बताया गया है कि परिषद की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं परीक्षा फल प्रमाण पत्र अंक पत्र में संशोधन अपूर्ण अथवा रुके हुए परीक्षा फल को घोषित कराने, प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि निर्गत कराने, माइग्रेशन सर्टिफिकेट निर्गत कराने, उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी कराने आदि संबंधित विविध कार्यों हेतु परिषद के निम्नलिखित क्षेत्रीय कार्यालयों से सीधे संपर्क भी किया जा सकता है। यहाँ पर दिया गया है, लिंक खोलें, इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर छात्र छात्राओं के लिए कुछ बोर्ड द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि दिखा रहा है कि इसकी अंतिम तिथि जो है 19/5/2023 है। ऑनलाइन की महत्वपूर्ण निर्देश है कि आवेदन करने के उपरांत भरे हुए आवेदन को डाउनलोड कर मुद्रित कर उसे अर्थात प्रिंट करके उसे जमा किए गए ट्रेजरी चालान की मूल प्रति के साथ परिषद की संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को उनके निर्धारित पते पर रजिस्टर डाक से निर्धारित तिथि से पूर्व अवश्य प्रेषित कर दें। निम्नलिखित तिथि का उक्त आवेदन के साथ जमा शुल्क के ट्रेजरी चालान की मूल प्रति प्राप्त न होने पर संरीक्षा स्क्रूटनी की कार्यवाही नहीं की जाएगी, जिसके लिए संबंधित परीक्षार्थी ही उत्तरदायी होंगे, ये बताया गया है। यहाँ पे देखते हैं इसका नोटिफिकेशन यहाँ दिया गया है और इसमें लिखा गया है कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित वर्ष 2023 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा को संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं की संरीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 19 मई 2023 निर्धारित की जाती है। संरीक्षा शुल्क ₹500 प्रति प्रश्न पत्र की दर से लिखित एवं प्रयोगात्मक खंड हेतु पृथक पृथक निर्धारित है। संरीक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित विषयों हेतु निःशुल्क निर्धारित शुल्क चालान के माध्यम से राजकीय कोषागार में जमा करेंगे। तत्पश्चात ऑनलाइन भरे संरीक्षा आवेदन के विवरणों को डाउनलोड कर उसके प्रिंटआउट के साथ संरीक्षा हेतु जमा किए गए संरीक्षा शुल्क के मूल चालान पत्र को उसके सत्यापन हेतु संलग्न कर उसे रजिस्टर्ड डाक से परिषद की संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को निर्धारित तिथि दिनांक 19 मई 2023 तक प्रेषित करेंगे। क्षेत्रीय कार्यालय में बिना ऑनलाइन के सीधे अथवा कोरियर अथवा डाक से भेजा गया कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। दिनांक 19 मई 2023 के पश्चात जमा किए गए चालान के साथ प्रेषित संरीक्षा के आवेदन पत्र पर किसी प्रकार की कार्रवाई किया जाना संभव नहीं होगा, जिसके लिए संबंधित परीक्षार्थी ही उत्तरदायी होंगे, जो बोर्ड द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि प्रधान उपयुक्त विज्ञप्ति के प्रतिलिपि निम्नांकित कुछ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। प्रधान संपादक समस्त दैनिक समाचार पत्रों के लिए जो भेजा गया था, वैतिक सहायक, माध्यमिक शिक्षा सभापति, तो ये सब कार्यालयों के लिए प्रेषित जो पत्र भेजा गया उनके लिए बताया गया है। तो इस तरीके से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। कैसे हम आवेदन करेंगे अपना, यहाँ पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट, सबसे पहले आपको एक चालान फॉर्म जमा करना पड़ेगा बैंक में जाकर के, उसके बाद आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा। यहाँ पर दिया गया है कि ट्रेजरी चालान फॉर्म डाउनलोड करें, इस पर जब आप क्लिक करेंगे
तो आपके सामने चालान बनकर आएगा। तो इस तरीके से आपको ये चालान फॉर्म दिखाई दे रहा है कि धनराशि जमा करने का चालान फॉर्म है। इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है और आप जिन विषयों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए आपको बैंक में जाकर के ट्रेजरी में इस फॉर्म को जमा करना है और उसके जो फीस है उस फीस को आपको पेमेंट करना है। तो इस तरीके से इसके बाद आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने के लिए हम यहाँ आएंगे, दिया गया है कि हाई स्कूल के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हैं तो यहाँ क्लिक करें। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से आएगा। आपको यहाँ अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जन्मतिथि भरना है और गेट डाटा करेंगे, आपकी डिटेल्स जो है यहाँ से शो कर जाएगी और आगे का फॉर्म आप फिल कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको चालान फिल करना है, जमा करवाना है, उसके बाद फिर आपको फॉर्म ऑनलाइन कर लेना है। तो इस तरीके से कोई इंटरमीडिएट का छात्र है तो इंटरमीडिएट के लिए यहाँ से आवेदन कर लेगा। आवेदन करने के बाद आपको प्रिंट आउट जो निकलेगा, प्रिंट आउट और चालान आपको डाक द्वारा रजिस्टर्ड कार्यालय पर भेजना है। यहाँ से अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते तो पुनः भी डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरीके से आप अपना जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो हाई स्कूल इंटर के छात्र छात्राएं हैं, और अपना एग्जाम आप स्क्रूटनी के माध्यम से दे सकते हैं, रीचेक करवा सकते हैं कॉपियों को। तो ये थी आज की सूचना, आशा करते हैं कि आपके लिए काफ़ी ये सहायता प्रदान करने वाली सूचना होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।